हालेलुया 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 पवित्र 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 हालेलुया खमा बाबा रा सिखना ला रा रा बाला रा दा 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 ना ला रा दा 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 ना ला रा दा दा ना ला रा बा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा इस संध्याकालीन के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जीवित हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, सामर्थ्य परमेश्वर हैं। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि आप जीवित हैं, आप जीवित हैं, आप सुबह से लेकर अभी तक संभाले रक्षा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचाया, हर खतरों से, मुसीबतों से, तकलीफ से, दुख से, संकटों से आपने हमें बचाया, रक्षा किया और हमारे जीवन में एक नया समय दिया कि हम विश्राम करें, आराम करें, रेस्ट करें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। धन्यवाद खुदा, दिन भर की थकावट को आपने दूर किया, दिन भर के काम में आपने हमारी सहायता और मदद की, हमारे कार्यों में आपने हमें सफलताएं दी है। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, हर एक उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, हर एक मदद के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि आपने जो भी कार्य किया प्रभु ने उसे सफलताएं खरी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको मदद की है, मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर पिता ने आपको हर प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से, हर प्रकार की टेंशन से बचाया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो खुदा है, वो पिता है जो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमें हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार की तकलीफों से छुड़ाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जो कोई प्रभु के करीब जाता है, जो कोई प्रभु के पास जाता है, प्रभु उसकी रक्षा करता है, प्रभु उसके साथ रहता है, प्रभु उसको संभालता है। परमेश्वर पिता हमें संभालने वाला परमेश्वर पिता है, वह स्वर्ग में विराजमान पिता है। और वचन में सांप लिखा, मैं तुझे अपने दाहिनी हाथ से संभाले रहूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको किसी परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी, गरीबी, तकलीफों से डरने की जरूरत नहीं है, आपके मन को कच्चा करने की जरूरत नहीं है, आपके मन में किसी प्रकार का भय रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपके साथ है और अपने दाहिने हाथ से वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभाले रहेगा। प्रभु कहते हैं, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा ना लरबा रिखा ना लरा थी ना लरा रबा। परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो, परमेश्वर पिता आपके नाम की जयकार हो, परमेश्वर पिता आपके नाम की बढ़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा ना लरा थी ना लरा रबा रिखा ना लरा थी ना लरा रबा। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। मेरे प्रियो, खुदा आपके साथ है, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, वो हमारे साथ रहता है। मुश्किलों में, तकलीफों में, चिंताओं में वो हमारी मदद करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें संभालता है। मेरे प्रियो, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की बढ़ाई करें। अपने बिस्तर में जाने से पहले अपने आप को, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। अपनी स्टडीज प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु आपको सफलता ही देगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रभु ने कहा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। प्रेज द लॉर्ड,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे साथ में रहकर मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड रबा संदा रबा नला रदा दादा नला रदा। मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, क्योंकि वो आपका जीवित खुदा है, वो हमारा सबका जीवित परमेश्वर पिता है। उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर की मौजूदगी में आइए, परमेश्वर की मौजूदगी में आइए, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। इसलिए उसके करीब आकर उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस संध्याकालीन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और जितने भी पिता परमेश्वर आज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, उन सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरने पाए, और आपकी पवित्र आत्मा मेरे प्रिय भाई बहन को आशीषित करे, हम सबकी अगुवाई करे, हम सबकी मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर इस समय के लिए आपका धन्यवाद, इस समय के लिए आपका धन्यवाद, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। आज जितने भी परिस्थितियों में से होकर जा रहे प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उन्हें संभाल ले परमेश्वर, संभाल ले परमेश्वर, उन्हें तकलीफ में जाने से बचा ले, मुश्किलों में जाने से बचा ले प्रभु यीशु। आप दया करें, आशीषित करें, और सब प्रकार की परिस्थितियां खत्म हो जाए, सब प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए। प्रभु आप आशीषित करें, प्रभु आप आशीषित करें, तेरे लोगों को ऊंचा उठाएं, तेरे लोगों को ऊंचा उठाएं, और उनकी चिंताओं को दूर कीजिए। विशेष करके पिता जो तकलीफ में है, मुसीबत में है, बीमारी के हालत में है, जो बेड पर है परमेश्वर पिता, जो बीमारी के कारण पिता परमेश्वर अपनी परिस्थितियां को वो बदल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियां बदल जाए, उन्हें छंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, सब प्रकार के रोग दूर हो जाए, सब प्रकार के रोग दूर हो जाए, सब प्रकार की बीमारी उनके जीवन से निकल जाए। पिता परमेश्वर विशेष करके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बेड पर है कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उनके बिस्तर पलट दीजिए जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर पिता में प्रार्थना करते हैं। पैरालिसिस की बीमारी, ओ कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, शुगर की बीमारी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से टीबी की बीमारी, सब खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। छंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर जिनके कोई बच्चा नहीं है प्रभु, आप दया करें, रहम करें, आशीषित करें, और यीशु के नाम सुन के वंश उत्पन्न हो, यीशु के नाम सुन के वंश उत्पन्न हो। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, आशीषित करें। हां राजा, हां पिता, हां स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आने वाले दिनों में उनके वंश होंगे खुदा। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है प्रभु, उनकी तू मदद कर प्रभु, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और सही समय पर डिलीवरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं की सुधि लेने वाले परमेश्वर, उनकी तू सुधि ले, उनकी तू मदद कर, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए। अनाथ और विधवाओं का स्वामी आप है, उन्हें संभाल ले परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ जो आज पिता परमेश्वर परिस्थितियों से दबे हैं, ओ पिता परमेश्वर बेरोजगार से दबे हैं, कर्ज से दबे हैं। पिता परमेश्वर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें कोई आशीष अभी तक नहीं मिली है। तो परमेश्वर पिता तेरे लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते, तेरे लोग कभी भी गरीब नहीं रह सकते, तेरे लोग कभी भी नीचे नहीं हो सकते, तेरे लोग ऊंचे स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे, तेरे लोग उपस्थित पिता परमेश्वर किए जाएंगे, तेरे सामने उपस्थित किए जाएंगे, और पिता परमेश्वर राजा के समान होंगे खुदा। धन्यवाद यीशु, आने वाले दिनों में उनके सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म होगी, उनके जीवन से सब प्रकार की तकलीफें खत्म होंगे। पिता परमेश्वर जिन्होंने भी पिता परमेश्वर एग्जाम दिया है या आने वाले एग्जाम से प्रभु, उनमें तू सिलेक्ट कर, सिलेक्ट कर, सिलेक्ट कर, उनका सिलेक्शन हो यीशु के नाम से।
दया करें प्रभु, दया करें परमेश्वर पिता, उनका जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, किसी भी हालत में जॉब लग जाए, किसी भी हालत में उनकी जॉब लग जाए खुदा, यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता। मैं विशेष करके उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो जॉब करते हैं, उनका जॉब में प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी सारी चिंताओं को दूर कीजिए, सारी मुश्किलों को दूर कीजिए, और पिता परमेश्वर उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी बिजनेस करते हैं, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए तकलीफों में, मुसीबतों में, तो उनके साथ है परमेश्वर पिता, उन्हें संभालने के लिए आप हैं उनके साथ, और उनके कार्यों में आप उन्हें सफलताएं देंगे खुदा, हम विश्वास करते हैं। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित करें, इस समय में कटनी हो रही प्रभु, सब प्रकार के बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाओं से बचाना, धूप से बचाना प्रभु, मुश्किलों से बचाना, सही समय पर कटनी हो जाए। और परमेश्वर पिता, तेरे लोग कभी भी गरीब नहीं रह सकते, तेरे लोग कभी भी पिता परमेश्वर नीचे नहीं रह सकते प्रभु, ने ऊंचे स्थान पर रख तेरे बेटा और बेटी प्रभु, सब प्रकार के बीमारियों से, सब प्रकार की गरीबी से, और सब प्रकार के कर्ज से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। हमारे प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, जो बच्चे हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे, अच्छे नंबरों से पास कर प्रभु, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उन्हें तो आशीषित कीजिए, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। पिता परमेश्वर विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पति पत्नी है प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता कई लड़ाई झगड़ों के वजह से अलग अलग हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी अलगताएं खत्म हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से साथ में रहे खुदा। जिन जवानों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है प्रभु, यीशु के नाम से उनका विवाह संपन्न हो प्रभु, सब प्रकार की बाधाएं, रुकावटें खत्म हो जाए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप देते, स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, तेरे दासों से बातचीत कर, तेरे लोगों से बातचीत कर परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। हमें मीठी नींद दे, सुबह की रोशनी दे परमेश्वर पिता, धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए, वो आपको संभाले रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की, आमीन।